चाचा भतीजा, पिछली बार तो तुम दोनों ने मुझे हरा दिया था, पर इस बार मैं ही जीतूंगा। मेरे इस जादू की छड़ी से मैं चाचा की परछाई को चाचा से अलग करके अपने इशारों पर नचाऊंगा। तब आएगा मजा। मैं जादूगर होगा, मुझसे कोई नहीं होगा। ओए भतीजे, तूने कोई आवाज सुनी? हाँ चाचू, पर यहाँ तो कोई नहीं है। बच गया। एक्सरसाइज तो कर रहा है चाचा, पर पसीने मेरे छूट रहे हैं। इस बार मैं परछाई को पकड़ कर ही रहूंगा। आब्रकडाब्रा। अब मैं चाचा की परछाई से चोरी करवाऊंगा और लोगों को लगेगा कि चाचा ने चोरी की है। चोरी का सामान मेरे पास और चोरी का इल्जाम चाचा पर। मैं जादूगर होगा, मुझसे कोई नहीं होगा। वो देखो, जाके अपना काम करके आओ। लगता है चाचा मिलने आए हैं। आओ चाचा, अंदर आ जाओ। मैं जादूगर होगा, मुझसे कोई नहीं होगा। चाचा दरवाजे तक आए पर घर के अंदर नहीं आए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जरा देखूं तो मेरी कार, यानी चाचा मेरी कार चुरा ले गया। हे ऊपर वाले, अब क्या होगा? मेरी कार, मेरी जान से भी प्यारी कार। वाला हार तो दिखाना। वो हीरो का हार कहाँ गियो? अभी तुम्हारे हाथ में था। पर अब वो हार किसी और के हाथ में है। देखो जरा, देखो। चाचा मारे हीरो का हार चुरा के भाग रियो है। आने तो चाचा को, मारे चोरी की चीजें हम वापस लेकर ही रहेंगे। ओए, लगता है मैं फंटूश नगर में कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया हूँ। सब मुझसे मिलने के लिए घर के बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। चाचू, ये आपसे मिलने नहीं, आपको मारने आए हैं। इनके हाथ में हॉकी स्टिक्स है, जल्दी गाड़ी घुमाओ। अरे पकड़ो, पकड़ो चाचा, पकड़ो, 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 पकड़ो। क्या
आपको यकीन है कि चाचा ने ही आपका हार चुराया? भाई, मैंने चाचा की परछाई को हार लेकर भागते देखा है। मैंने भी चाचा की परछाई देखी और उसके तुरंत बाद मेरी गाड़ी चोरी हो गई। जरूर चोरी चाचा ने ही की है। और भतीजे, लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की। हाँ चाचू, मैं जानता हूँ कि आप चोरी कर ही नहीं सकते, पर फिलहाल आप थोड़ा पीछे आइए, कहीं इन्होंने आपकी परछाई भी देख ली ना तो आपको छोड़ेंगे नहीं। हाँ चाचू, आपकी परछाई गायब है। ओए भतीजे, ये क्या हो गया? ओए अब क्या होगा? आइडिया, अब बात समझ में आई। गरीब दास ने आपकी परछाई को चोरी करते हुए देखा, शर्मा जी ने भी आपकी परछाई को देखा, पर आपकी तो परछाई ही गायब है। इसका मतलब किसी ने आपकी परछाई चुरा ली है और उसी से ये चोरियां करवा रहा है और इल्जाम आ रहा है आप पर। ओए ओए, अब हम क्या करेंगे भतीजे? जैसा कि आप देख सकते हैं कि फंटूश नगर के सारे सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने है। हर फुटेज को ध्यान से देखते हैं। चोर चाचू की परछाई को फिर से चोरी करने जरूर भेजेगा। देखते हैं चाचू की परछाई कहीं नजर आती है कि नहीं। यो रही चाचा की परछाई, और यो तो कार के शोरूम में जा रही है। हैं? और पहले कार की परछाई गई, फिर कार ही गायब हो गई। हाँ, कोई है जो कहीं दूर बैठा है और सारी चोरियां चाचू की परछाई से करवा रहा है। वही पर हम उस आदमी तक पहुँचेंगे कैसे भतीजे? चाचू, आपकी परछाई ही हमें उस आदमी तक पहुँचाएगी। आ गए चाचा की परछाई। आज शोरूम की सारी गाड़ियां चुरा कर यहाँ ले आना। मैं जादूगर कोगा, मुझसे कोई नहीं होगा। जादूगर गोगा, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। भला इसी में है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। खेल तो अब शुरू हुआ है भतीजे। जैसे मैंने चाचा की परछाई चुराई, वैसे ही मैं तुम्हारी परछाई भी चुरा लूंगा। तुम और तुम्हारी परछाई मुझसे बच नहीं सकती। जहाँ भी हो, बाहर आ जाओ। गोगा, तुम मेरी परछाई को तो पकड़ नहीं पाए, मुझे क्या पकड़ोगे? छोड़ूंगा नहीं। रुको, कहाँ गई तुम्हारी परछाई? मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। इस भतीजे से जीतना इतना आसान नहीं। पर चाचा की परछाई अब भी मेरे कब्जे में है। मैं चाचा की परछाई इस्तेमाल करके आसपास के शहरों में चोरी करूंगा और सारा इल्जाम चाचा पर ही आएगा। ओए भतीजे, ओए मुझे जेल नहीं जाना, ओए मुझे बचा ले। भतीजे के रहते चाचू को कुछ नहीं हो सकता। कानून के हाथ और बंदूक की लात से कोई ना बच सके है, और जेल में ना रहेगी रोशनी और ना ही आएगी किसी की परछाई।
मौका लेने का होगा बुरा नतीजा। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा। भतीजा। फंटूश नगर में है दो मत वाले, दिखते हैं भोले भाले पर है ये हिम्मत वाले। सब चोर चक्के इनके नाम सिखावे, जब सामने आ जाए तो सारे रास्ता नापे। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा, बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। चाचा और भतीजा।